देखो भाई, कहना साफ है, अगर कोई गलती करता है, किसी को चीट करता है, तो उसकी सजा उसको इस दुनिया में ही मिल जाती है। और सीरीज की जो स्टोरी है वो कुछ ऐसा ही दिखाने की कोशिश कर रही है। फाइनली मैं इस सीरीज को देखकर पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ। इस सीरीज में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सीरीज की स्टोरी क्या दिखाने की कोशिश कर रही है, यही मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग करने वाले हैं गेम्स ऑफ कर्मा कचरा वेब सीरीज की रिव्यू, जो उलू ऐप की है। सीरीज को अगर मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो सीरीज देखने में काफी ज्यादा मजा आया। सीरीज को 21 सितंबर को रिलीज की गई है और इस सीरीज के कास्ट में आप लोगों को राहिल आजम देखने को मिलेंगे। फिर आती है अरीना डे। कास्ट के अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो चाहे वो कचरा वाले चचा जी हों या फिर सीरीज के एक्टर एक्ट्रेस, सारी की एक्टिंग आप लोगों को एकदम कड़क देखने को मिलेगी। इन्होंने अपना 100% देने की कोशिश की है इस सीरीज में। सीरीज में बीजीएम आप लोगों को काफी अच्छे सुनने को मिलते हैं, साथ ही साथ स्क्रीन प्ले और इफेक्ट भी आप लोगों को काफी ज्यादा कूल देखने को मिलेंगे। अब गाइस, बात रही यहाँ पे स्टोरी की, तो मुझे स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद आई है। क्यों? क्योंकि स्टोरी में कर्मा को प्रेजेंट किया गया है और आपको पता है कि कर्मा क्या होता है। अब गाइस, बात करते हैं यहाँ पे सीरीज की स्टोरी क्या दिखाने की कोशिश कर रही है। अगर आप लोग को इस सीरीज से रिलेटेड किसी भी तरीके की डिटेल चाहिए तो मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, उससे आप लोग चेकआउट कर लेना। अब फाइनली आते हैं स्टोरी पर। तो गाइस, स्टोरी में हम लोगों को एक क्यूट से कपल को दिखाया गया है जो अपने फ्रेंड सर्कल में प्यार की मिसाल है। 10 साल से ये लोग दोनों शादीशुदा हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन ये कभी लड़ते झगड़ते नहीं। इसी के कारण इनके फ्रेंड्स इनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज के एक्टर का नाम रजत है और सीरीज की एक्ट्रेस का नाम स्नेहा। ये लोग दोनों का एक दिन मैरिज एनिवर्सरी होता है जहाँ पे सारे दोस्त इन लोगों को एक सरप्राइज पार्टी देते हैं। पार्टी के दौरान स्नेहा एक लड़के के साथ डांस करने के लिए चली जाती है और रजत इनको देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रजत को एक पॉजिटिव हस्बैंड के रूप में दिखाया गया है। इसका मतलब होता है कि एक हस्बैंड जो अपनी बीवी को किसी और लड़के के साथ नहीं देख सकता। रजत यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सारे दोस्तों को घर जाने के लिए कहता है और सारे लोग घर चले जाते हैं। अब यहाँ पे रजत की वाइफ रजत से पूछती है कि क्या हुआ जो तुम इतने गुस्सा हो गए। अब यहाँ पे जो रजत ने कहा है भाई, वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। रजत यहाँ पे अपनी बीवी से कहता है कि मैं तुम्हें किसी और की बाहों में नहीं देख सकता, किसी और के साथ डांस करते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब स्नेहा यहाँ पे पूरी तरीके से फिसल जाती है और रजत के साथ आप लोगों को इस समय एक सीन देखने को मिलने वाला है। फिर कुछ बीतते हैं और यहाँ पे स्नेहा को पता चलता है कि मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है, वो किसी और लड़की के साथ मिलने के लिए हर दिन जाता है। अब गाइस, यहाँ पे स्नेहा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रजत को भी पता चल जाता है कि मेरी बीवी को पता चल चुका है कि मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप रख रहा हूँ। स्नेहा यहाँ पे ना आए ना बाय देखती है, गुस्से में आकर कचरे वाले अंकल का कॉलर पकड़ती है और उन्हें खींचते हुए अपने रूम तक लेके आती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि अब तुम्हारी जिंदगी में कचरा बना दूंगी, देखो कैसे। आप गाइस, यहाँ पे का जो सीन होगा वो काफी ज्यादा गजब का होगा। मुझे ये सीन तो काफी ज्यादा पसंद आया। आप लोग इस सीरीज को जाकर देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये सीरीज आप लोगों को कैसी लगी। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से किसी अपनी अगली वीडियो में।